भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। रामपुर बुशहर में संतोष ठाकुर ने नए थाना प्रभारी का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले ठाकुर ठियोग थाना प्रभारी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। संतोष ठाकुर ने कहा, रामपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना, खनन व नशा माफियाओं व महिलाओं से दुराचार करने वालों पर शिकंजा कसना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा, यदि क्षेत्र के लोग पुलिस को नशा करने वालों व रखने वालों की सूचना पहुंचाते हैं तो ऐसे में पुलिस को काफी सहायता मिल जाती है। सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। वे समाज के सभी लोगों का सहयोग लेकर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करेंगे। को ज्वाइन किया और इससे पहले मैं थाना ठियोग में एज एसएचओ कार्यरत था। तो यहाँ पे आपकी प्राथमिकताएं कैसी रहेगी और कौन कौन सी रहेगी? यहाँ पे मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी, स्पेशली जो हम मतलब जो जैसे रामपुर एक शहर है, कंजस्टेड शहर है, ट्रैफिक का बड़ा यहाँ इशू रहता है, एक तो इसको सुधारने की कोशिश करेंगे और दूसरा जो आजकल नशा माफिया बड़ा सक्रिय सा हो गया है समाज के अंदर, इस पर भी लगाम लगाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ जैसे नशा माफिया के साथ साथ एक लीगल जो माइनिंग वाले हैं उन पर भी जो है नकेल कसने की वो कोशिश करेंगे। जैसे अक्सर देखा जा रहा है तो महिलाओं के साथ आज दिन जो अधिकतर मामले सामने आते हैं, तो उसको लेकर आप विशेष क्या करेंगे? हाँ, ये भी है कि जैसे आए दिन जो है महिलाओं के प्रति जो है अत्याचार जो है हो रहे हैं और उनके साथ जो है छेड़छाड़ हो रही है, तो ये वाला जो आपका कहना है कि इस पे भी हम जो है मतलब प्रायोरिटी पर जो है ध्यान देंगे कि भी महिलाओं के साथ जो है छेड़छाड़ ना हो और किसी भी तरह की वारदात ना हो और जो भी वुमेन से रिलेटेड कोई ऐसी कंप्लेंट होगी तो उस पे जो है शीघ्र जो है कार्रवाई करेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए रामपुर बुशहर से रमेश शर्मा।